अरे वो डेकोरेशन देखा 500 रुपए का था, क्रिसमस ट्री है ना वो, उससे भी महंगा था, इतना हमारा बजट भी नहीं है। तो गाइस हुआ क्या, आज हम करने वाले थे क्रिसमस डेकोरेशन चैलेंज, जिसके लिए हम सामान खरीदने गए, बट वहाँ पे सामान कितना एक्सपेंसिव था। तो आज एक काम करते हैं, हम एक नया चैलेंज करते हैं जहाँ पर हम चारों मिलाकर सिर्फ 500 रुपए यूज करेंगे और उसमें ही हम करेंगे क्रिसमस डेकोरेशन। ओ वाओ, 500 रुपए में? यस, तो 500 रुपए में हमें क्या क्या करना है पता है? क्रिसमस ट्री खुद बनाना है, उसे डेकोरेट करना है, ओ माय गॉड, और वो भी सिर्फ 500 रुपए में। ओ माय गॉड, तो रुके क्यों है, फिर चलो शॉपिंग करने चलते हैं। चलो चलो चलो। A few moments later. तो finally हम दुकान में आ गए हैं हमारा सामान लेने के लिए। Yes. तो गर्ल्स तुम्हें काम करो ना, तुम थोड़ी स्टेशनरी का सामान का ऑर्डर करो, तब तक हम जाके उधर डेकोरेशन वगैरह डेकोरेशन वेकोरेशन का सामान लेते हैं। चलो, चलो। तो हमने कुछ सोचा है कि हम कैसा डेकोरेशन करेंगे, तो उस हिसाब से हमें चाहिए एक गोल्डन धागा, धागा और लाल धागा भी ना, रेड कलर का धागा, व्हाइट कार्डबोर्ड पेपर, आंखें प्रीति आंखें, हाँ आंखें भी चाहिए। ये आ गया हमारा गोल्डन धागा, ये लाल वाला आ गया, ये व्हाइट कार्डबोर्ड पेपर, ये अंकल ने आंखें भी दे दी है, और हाँ व्हाइट सॉक और एक गोल्डन पेपर भी दे दीजिए। मुझे लगता है हमें ऑलमोस्ट हमें सब सामान मिल गया है ना, वही अब देखते हैं कि वो दोनों ने क्या खरीदा। सुन हमको ना सबसे पहले ट्रिक ले, वो रिमझिम वाला रहता ना, वो ऐसा वो रिमझिम वो ढूंढने का, वो इधर ही किधर था यार। ये देख ये देख, हाँ हाँ ये देख, ये कितने का है, ज्यादा सा महंगा नहीं होना चाहिए, कितने का? 30 रुपया पर पीस का, तो अपन को ऐसे 3-4 पीसेस लगेंगे, ठीक है। ये है भाई, अपने पास बॉल्स है क्या छोटे छोटे? ठीक है ठीक है, ये वाले बॉल दे दे, चलेगा, 6-7 ही रखते हैं, ठीक है भाई। एक काम करना ना, तेरे पास रिबिन आता है, वो रिबिन है फ्रेंडशिप बेल्ट का, जो रिबिन आता है ना वैसा, हाँ है, चल चल चल। ओके हाँ, ये एक इसका लेस हो जाएगा, ये लेस और ये लेस, अभी क्या बचता है इसके बाद? कलर्स, हाँ कलर्स, कलर सुनो ना, गोल्डन और ग्रे कलर का ये चाहिए, कलर गोल्डन और ग्रे, हाँ ओके, ये है मिल गया गोल्डन और ये मिल गया ग्रे, तो हमारा सब सामान यहाँ पे ले लिया है, है ना, सब सामान ले लिया। Yes. अभी जाके बिल करके देखते हैं, 500 के नीचे ही होना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चलो भाई, एक कप और एक क्ले दे देना ना, छोटे वाले कप। ओके ये कप हो गए और ये क्ले भी हो गया, ये क्ले भी हो गया, अभी ये सब का बिलिंग कर देना और बिलिंग करके बताना कितने का। तो टोटल कितना हुआ है? 520 रुपीज, 520 रुपया हुआ है, तो हमें कुछ कम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये रिबिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतना यूज होएगा, तो इस रिबिन का कितना हुआ? 30 रुपीज, ठीक है 30, तो वो आप ले लीजिए। तो कितना हुआ? 490, तो ठीक है 500 के लेस ही, ठीक है चलो ये पैक कर दीजिए अभी। तो ये रहा हमारे सारे 500 रुपीज का सामान। तो मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे ना कि ये सब सामान का हम करने क्या वाले हैं। तो क्रिसमस में सबसे पहले अगर कोई चीज आती है माइंड में तो क्या आती है? सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री। अच्छा, ओ तो हम सबसे पहले क्रिसमस ट्री बनाएंगे। अरे क्रिसमस ट्री तो ठीक है, बट इसमें से क्या बनाएंगे? अरे इसमें से तो बनेगा क्रिसमस ट्री, इट्स अ इजी सिंपल चीप DIY हैक। तो आप ये घर पे आराम से बना सकते हो। तो अच्छा समझ गया क्या कर रहे हैं। अच्छा था खड़े रहिए, आप उसके बाजू में ये लिपटा दे रहे हैं। अरे यार ये पहले बोलते थे, जल्दी हो जाता यार, सामान भी कम लगता। चलो अभी जाते हैं बनाने। वाओ, तो ये क्रिसमस ट्री कहाँ बनाना है? यहाँ पे, यहाँ पर बनाना। अरे 500 रुपए के अंदर बनाना है ना, तो क्रिसमस ट्री हम इस दीवार पर बनाएंगे। ये दीवार पे, तो 500 रुपए की दीवार पर ही बनेगी ना वही। अच्छा तो क्या करना है इसका? तो हमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप भी घर पे आराम से बना सकते हो उसे। ओके, आपको जस्ट क्या करना है, आपको ना इस तरह से जिगजैग मार्किंग करनी है। ये जिगजैग की मार्किंग करनी है, हम टेप के हेल्प से इसे मार्किंग कर देंगे। ओके, और इसे भी हमें इस तरह से, वो हम बताएंगे आपको, इस तरह से जिगजैग लगाना है। ओके, तो हमें पहले मार्किंग करनी है, पहले हमें मार्किंग करनी है और उसके बाद जिगजैग लगाना है। सबसे पहले करेंगे मार्किंग, तो मार्किंग के लिए हम ले रहे हैं मास्किंग टेप। तो ये रहा हमारे मास्किंग टेप, तो हमारी मार्किंग तो हो चुकी है। यस, अब इस मार्किंग के ऊपर हमें ये क्रिसमस ट्री लगाना चालू करना है, नीचे से ऊपर की। यस, नीचे से ऊपर। ओके, वाओ,
लग रहा है। दीवार वाला क्रिसमस ट्री जो बहुत जल्दी बना था है। ये क्रिसमस ट्री बन गया है, अब हमें क्या करना है, इसके एंड में हम थोड़ी लाइट्स लगा दें। यस। अरे हाँ संकेत, हमको पता है, हमको पता है तुझे ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है। मुझे लगा इसके अंदर सैंटा आ गया। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा तो अभी हमारे पास लाइट्स आ गए हैं। हमने क्या किया, ये लाइट जो हमारे घर पे पड़ी थी ना, दिवाली की लाइट, हम वही दिवाली यूज कर लाइट यूज करने वाले, इसको डेकोरेट कर दिवाली की लाइट क्रिसमस में। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली सोचा भी नहीं था इतना अच्छा दिखेगा, बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो ट्री हो गया है हमारा, उसके ऊपर लाइटिंग भी हो गया। हाँ। अब बाकी है डेकोरेशन। ट्री का डेकोरेशन अब, यस यस यस, तो वहां बैठ के करेंगे ना। हाँ, वहां पे और डेकोरेशन लाकर फिर यहाँ पे चल रहा है। यस, चलो क्या बनाएंगे पता है? जिंगल बेल्स। ओ, जंगल में बेल, जंगल में बेल, जंगल में बेल खो गया, वो बनाना ना अभी हमको। ये गाना हम हर क्रिसमस को सुनते हैं। यस, हमेशा। तो हम ना, मैंने यहाँ पे लिए ये चाय के कप्स जो आपके घर में आराम से होंगे। ओके। तो इसके हम बनाएंगे जिंगल बेल्स, मतलब बेल्स बनाएंगे। बेल्स बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इनको ऑब्वियसली थोड़ा कलरफुल बनाएंगे। तो आधे कप्स को हम करेंगे गोल्डन और आधे कप्स को हम करेंगे सिल्वर। और उसी तरीके हम बॉल को भी करने वाले, आधे बॉल्स को गोल्डन कलर करने वाले और आधे बॉल्स को सिल्वर। शुरू किया जाए। तो बर्डीज आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पार्कलिंग गोल्डन कलर लिया है। तो हर एक कप को हम इस तरह से कलर करेंगे। वाव, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लड़कियाँ जैसे इन बेल्स को कलर कर रही है, हम एक काम करते हैं, हम बॉल्स को भी कलर मारते हैं। बॉल्स को ना सिल्वर कलर मार के हम रेडी कर देंगे, ये ऐसे। अच्छा, ये वो वाला गोल्डन पेपर जो हमने शॉप से लिया था। yes. तो अभी क्या करना है इसका? इस गोल्डन पेपर को ना हमें हाफ में डिवाइड करना है। ओके, हाफ करना है इसको। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो इस गोल्डन पेपर को ना हम हर साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो, फोल्ड होने के बाद इस पेपर को हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। आपको पूरा कट नहीं करना है, बस आपको आधा ही कट करना है। और फिर हम बनाएंगे ये छोटे छोटे ट्रायंगल। ये बहुत ही इजी है। तो आप देख सकते हो मेरा ये 3D स्टार रेडी है। मतलब आप बोलोगे कि ये तो स्टार लग ही नहीं रहा है। हाँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक और सेम स्टार बनाया है। तो आपको क्या करना है कि इस स्टार को इस स्टार के ऊपर इस तरह से लगाना है। That's it. Wow. आप देख सकते हो, ये बहुत प्रिटी लग रहा है। ये दोनों को कर देगी और इसको वहां पे ग्लू कर देगी। Yes. दिमाग में भूसा, मैंने उसको लूटा। तो तुम्हारे इतने अमेजिंग स्टार के बाद ये देखो हम क्या बनाने वाले हैं। स्नोमैन जो तुम अपने ट्री में भी लगा सकते हो और एज अ टॉय भी यूज कर सकते हो। ये देखो क्या मस्त चल रहा है, वॉबल कर रहा है सर। ज़ुइंग। अरे 2 मिनट में बनेगा, चलो बनाएंगे 2 मिनट में। इस हैक के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, बॉटल कैप और स्केच पेन का पैकेट। हमने ये कैप लेके कार्डबोर्ड पे 2 सर्कल बनाए। अब ये सर्कल तो बन गए, अब मैं इन सर्कल को काट लूंगा इस तरीके से। इसके बाद हमने जो कैप लिया है, वो कैप के अंदर हम थोड़ी सी क्ले डालेंगे और फिर ये जो हमारा आगे का कार्डबोर्ड है, इसे हम ग्लू करके इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे ये वाली हैट और फिर बनाएंगे इसकी आंख, माउथ एंड हाथ लगा देंगे। इस तरीके से रेडी हो गया हमारा वॉबल स्नोमैन। वाह, तो हमारे दोनों स्नोमैन रेडी है, बड़े मियां और छोटे मियां। तो देखा, इतना इजी है ये करना। और दूसरा चीज क्या है, अगर आपके पास एक बड़ा ढक्कन है तो ये आप बड़े से बना के भी आप इस तरीके से ऐसा कर सकते हो। ये देखो, है कि नहीं अमेजिंग? बड़े मियां छोटे मियां इन सब चीजों को लगाते क्रिसमस ट्री। यस, फाइनली हमारे बॉल्स और जिंगल बेल्स को हमने मस्त कलर कर दिया। और क्या किया इसके बाद हमने, एक्चुअली कैसे इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसके ऊपर ग्लिटर डाला है। पर इट्स ऑप्शन, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना वरना नहीं भी चलेगा। बट अब हमें ये क्रिसमस ट्री में तो टांगना है। यस, तो इसके लिए हमारे पास है ये गोल्डन वाला थ्रेड। आप नॉर्मल थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम लोग फटाफट काट के साइज में काट देते हैं। पहले ये हो गया एक, और काटते ऐसे। तो हर एक पेपर कप को हम इस तरह से बीच में एक होल करेंगे। छोटा सा ही होल आपको करना है। आप या फिर पेन या फिर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थ्रेड। तो जब तक लड़कियां ये कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये स्ट्रिंग बॉल पे कैसे चिपकाना है। तो सबसे पहले आपको इस ग्लिटरी बॉल के ऊपर ग्लू लगाना है एंड देन फिर ये स्टिक उसके ऊपर इस तरह चिपका देनी है।
और ये हम रिपीट करेंगे सारी बॉल्स के लिए, सारे जिंगल बेल्स एंड और ये डेकोरेटिव बॉल्स भी रेडी हो गए विद स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स लगा के yes. लगाते हैं और हमारे क्रिसमस ट्री में लगाते हैं yes. तो हमारा सारा डेकोरेटिव आइटम्स रेडी हो चुके हैं, अभी हम क्रिसमस ट्री आ जाओ पहले क्या लगाएंगे, मैं मेरा स्नोमैन लगाऊंगा, ये गया हमारा स्नोमैन, क्या है अभी क्या लगाएं, अभी लगाएंगे बेल, चलो बेल्स चलो ट्री हो गया है डेकोरेट, बस एक ही चीज बाकी है yes, स्टार yeah. Yeah. Wow. स्टार और क्रिसमस ट्री फाइनली रेडी हो गया है। बॉडीज प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी क्रिसमस ट्री डेकोरेशन कैसा लगा, आप अच्छे से पहले बार एक बार देख लो और उसके बाद बताओ yes. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और आपने देखा होगा हमने सॉक्स और भी चीजें खरीदी थी yeah. पर हमने उसको इस वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि उसका वीडियो आएगा हमारे शॉर्ट्स में, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और जो हमारा दूसरा चैनल है हंग्री बर्ड इनसाइड, उसे भी जाके चेकआउट करना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हो, बाय बाय।